सातवें चरण यानी कि आखिरी चरण के मतदान से पहले ही सियासत अपने चरम पर देखने को मिल रही है और इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक चिट्ठी ने भी सियासत में पारा हाई कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान से पहले वोटर्स से खास अपील मनमोहन सिंह ने कर दी है तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी पर उनकी भाषा और नीतियों को लेकर जोरदार हमला भी किया है। आपको बता दें कि 30 मई 2024 को एक लेटर जारी करते हुए मनमोहन सिंह ने पंजाब की जनता से कई और बातें भी कही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का, एक निरंकुश शासन को खत्म करने का एक अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं, हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारे सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था से महज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। अपनी इस चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान से देखा है और देख रहा हूं। मोदी जी ने काफी घृणास्पद भाषा का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह से विभाजनकारी है। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ की प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। ये भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। मनमोहन सिंह ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले कराए। किसानों को संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया। मोदी जी ने 2022 तक अपने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन उल्टा 10 साल में किसानों की आय कम हो गई है। हमारे खेत परिवारों की बचत को नष्ट कर चुके हैं और उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया है। इस बार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसान न्याय के तहत 5 गारंटी है। कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी, कृषि के लिए एक स्थिर निर्यात आयात नीति, ऋण माफी और अन्य कई घोषणाएं की हैं। मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनकी नीतियों की भी आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल पुथल देखने को मिली है। नोटबंदी, गलत तरह से GST लागू, कोरोना में लॉकडाउन के फैसले ने दयनीय स्थिति उत्पन्न की है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में औसत GDP विकास दर से 6% से कम रही है जबकि कांग्रेस यानी कि UPA के कार्यकाल में ये लगभग 8% थी। तो मनमोहन सिंह ने पंजाब में होने वाले चुनाव और सातवें चरण से पहले ये जो चिट्ठी लिखी है, अब इस पर सियासत भी होगी। BJP इसका क्या जवाब देती है ये देखना अहम होगा और क्या इस चिट्ठी का पंजाब के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलता है ये देखना भी अहम होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।